जेहि सुमिरते सिधि होई, अगने नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अमू को ही बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन। अनिल सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करउ सो ममउर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूपहरी, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरेना। बंदहु पवन कुमार खल खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरी। हरिओम हरिओम हरिओम। हमेशा अपने से जो श्रेष्ठ हो ओके मान के ही चले के उम्र में नहीं, ये वास्तव में जेकर आचरण अच्छा लगे पवित्र लगे ये ना। कहे शंकर जी के माने में अब तो समय नहीं रहेगा, अब ये लड़कन के सिखाओ जाला कि बड़े भैया के लेके चलो ऐसे ही। अब सब मनमानी हुई गया बा। तो देखो समुद्र में क्षोभ पैदा नहीं हो, कितनों नदी आके मिले। और कल जब आप लोग देख ले ते ऐसा जो है करुण रस लिए नदी मिला, शांत रस के समुद्र में ज्ञान वैराग्य धीरज कुल ढोएगा, कुल ढोएगा। और कारण मोह ममता कारण नहीं बा, उहा कारण बा अलौकिक प्रेम, श्री सीता राम जी के प्रति अलौकिक प्रेम, एके कोई नहीं तोड़ सकत, लेकिन ओके कोई कर नहीं सकता। अभी तो मुहे ममता से नहीं जो मुक्ति बा, उनमें कोई का प्रेम एकदम बताओ तो इन्हें पूरा भाव के साथ पता बा। रविशंकर के कहीं अलौकिक प्रेम नहीं मिला तब वो प्रकाश की जगह दे है। और एक जीव के भी जो हो शरीर में जगह देवे के बाद वो अलौकिक प्रेम
अब धीरे धीरे वो अंकुरित होता, आप लोगों के अंदर होता, और जो अनुभव आप भुवनेश्वरी के अनुराग के उनके भी अंदर होता, वीरेंद्र भाई बहन उन्हों के अंदर अब होता होता, ये बात नहीं बा, होई, लेकिन होई कब, जब एक के अंदर रही तब ने अलौकिक व्यवस्था जब कहीं तब तो हुई ने, बीए न रही तो कहाँ से अंकुर हुई, ठीक ने। और आप देख ले कि मर्यादा और संकोच के समुन्दर ही है श्री राम जी, ये सब जो नई अवस्था में आए सबका मर्यादा सुरक्षित है कर बने रहे, ये अवस्था में रहे से अब कोई शरीर से जुड़ा हुआ भाई हो, आध्यात्मिक पत्नी हो, पुत्र हो, कोई के कोई अब बुराई तो न करी, यह हम मर्यादा के सुरक्षित करना, तो बिना त्याग के कैसे हुई भाई। राम सिंह भाई, ये बिना त्याग के हुई काम, ठीक न। त्याग भाव के तरफ चित्त के हमेशा खींचे के चाहिए, जौन प्रयास रहे सामान्य जीवन में भी, तो मैं हमेशा त्याग भाव की तरफ, लोभ से हमेशा दूर भागे, लोभे से बैर होला भाई, समझे ने। भय और भ्रम एकर जो हो भ्रमरी का क्या कहल भोरी के चकोहा, ठीक ने। तो देखो डर तो सबके लगा लगा बा, लेकिन अभी जब पता होगा कि इनका जब कुल श्वास शंकर जी के समर्पित होगा तो ये भय भ्रम नोच दे ली, अब कहाँ भय भ्रम रह जाए, यह ने। तो देखा सबके अंदर वो ताकत आई कि सत्य के लिए जौन कुछ भी सत्य मांगे सब झोंक दे, लेकिन सत्य के मत छोड़ो, तब यह ने और ये निश्चित बा कि चाहे वो विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, जेकर भगवान के चरण में प्रेम नहीं बा ओके साधु के सभा में सम्मान नहीं, और जेकर साधु के सभा में सम्मान नहीं बा ओकर सम्मान कहीं रुके वाला नहीं बा, के याद करवे। और ये भी समझ में आल कि बिना श्री राम जी के चरण में प्रेम के ज्ञान शोभा कैसे नदी पार जाएगी बा, नैया बा लेकिन खेवैया तो उनका शोभा दे क्या कर सकल है। ठीक ना, ये सब थोड़ा जब रिवीजन हो जाला आधार बन जाला तो काल देखा सजने मलिन होके बैठा बा राम घाट पे नहा के, आज कोई के प्रति कोई के अंदर इतना प्रेम बा कि वो कोई के याद में का संझा में जब रामायण जब होत रहा उतना बजे यही राम घाट नहा के यहाँ तक ऐसे ही बैठ सकला बिना दाना पानी के। आज तो क्षमता
आज सब जे जहाँ रही गणेश जी अपन काटत पीतत रही जाने खात पियत रही और फोन करके पता करी कि बस खात पियत है कि नहीं ठीक से कपड़ा उपड़ा बा कपड़ा का जब एक खाई ढोका के कुछ हो रहा है सीला हुआ कपड़ा अभी शरीर कभी न पहन सकी निगोटा तक के जगह नहीं बा तो देखा जब पूरा पवित्र रखबा तब ने ऐसे कैसे रस पीबे संडो भी नहीं जने अब ऐसे तो भाई एक अगल लपेटे बा अब तब वो जनों कोई कही कि नहीं खराब बाबा जी बने के बाबा जी बनो नंगे रहो ले तो नंगे रहे से कोई बाबा जी बन जाए बड़ी विचित्र विचित्र लीला बा राम सिंह भाई क्या करवे ठीक तो देखो याद करो उस समय कि भरत जी कहें कि महाराज अब हम कुल प्रकार से समझ गए जेके जौन आज्ञा दे वह करे में सबकर परम कल्याण और राम जी तो यहाँ सोच में तैसा पड़े कि तहाँ बात कुछ अलग निकल गई ने अब देखे तब से जो ना उन्हें सोच के बोलन अभी कितना समय लगी तब से वो सोचते बन और बाकी हर के काम हाँ ऐसे ही कोनो काम देखवा संसारों में कुछ करे वाले रहे तब से एक बीच में दूसर निपोर चरखा आ जाला नहीं कुछ करे चाहे तो ओके संभालत रहे तो फिर तू सरकार जाला नहीं कितना बढ़िया सीढ़ी मिला बा खटाखट चढ़ के परम धाम में चित के रख के ठीक तो दोहा नंबर 277 पर रुके रहे और दोहा रहा कि दो समा जनी मीराजू रघुरा हाँ दो समाज निमिराजू रघुराजू नहाने प्रात अब बैठे सब बट बिट पतर मन मलिन कृष गात निमिराज का वंश रहा जनक जी का और रघुराज से श्री राम जी दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किए और सब बरगद के वृक्ष के नीचे जा बैठे सबके मन उदास और शरीर दुबले तब अपने सभा वही सभा में अपने आप के चित्त के बैठा ले स्थिति से अवगत मतलब अब चित्त के वही में ने बैठल हबे और जोन बाड़ी के वार्तालाप हुई ओके समझत रहब तो ये एकदम सुरक्षित और अगर वहाँ न बैठे ले तो फिर कोनो मतलब नहीं बा ठीक तो बैठ गए वही समाज में आप सुराही का पानी लेके बैठे जने भाव से बैठल जाला कहीं अलग से नहीं बा तुझे महिसुर दशरथ पुरे बासी अजे मिथिला पति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा अजिन जग मगु पर मारथु सोधा लगे कहने उपदेश अनेका
सहित धर्म नय बिरति विवेका। अब देखें जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दोनों पक्ष के, सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छान डाला डाले थे छान डाले सांसारिक अभ्युदय जनल है सांसारिक अभ्युदय, जैसे ही सब सांसारिक अभ्युदय बने, संसार में लोग एक आदर्श के रूप में कम से कम समझें कि जौन भाई चरित्र करें सब पवित्र, सांसारिक अभ्युदय और परमार्थ सब ब्राह्मण और दोनों पुरोहित सब छान मारे हैं, धर्म नीति वैराग्य विवेक क्या होता है एकदम पक्का पक्का, ठीक ना? तो वे लोग सब ब्राह्मण और पुरोहित लोग धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। जनक जी के साथ विश्वामित्र जी भी आए हैं, यानी जनक जी के साथ विश्वामित्र जी भी आए हैं। जब श्री राम जी शादी करके पहुंचे जो है तो विश्वामित्र जी कुछ समय तक राजमहल में रहे ना, और उसके बाद जाए लगे तो दशरथ जी कहन महाराज समय समय पर आवल करे करे लड़कन के खोज खबर, तो ओकरे बाद पहली बार अब मुलाकात होता वही चित्रकूट, और दशरथ जी अब ठीक ने दशरथ जी अब नहीं है ये बात के जब कथा संपन्न हुई तो याद करके थोड़ा अलग से बैठ के बात करें, ठीक ना? एक ही रख ले कोने में। तो विश्वामित्र जी भी पौराणिक कथाएं कह कर सारी सभा को सुंदर बाणी से समझाए, ठीक ना? कहे कि जब दुख बा तो उनमें मात्र यह परमार्थी बात ही जो है वो एक दवा बा, यहाँ ये सब कुछ बा नहीं, और झूठे के कहिए कि जाए दिभा का कर संतोष करो धीरज रखो, लेकिन कोनो धीरज रख नहीं पूछते। कहे कि जब सही दवाई देवे तबे काम करी ने नहीं, तब रघुनाथ कौशी कहीं कहे ऊ नाथ काली जल बिनु सबु रहे ऊ। तब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहे
कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, माने जल ग्रहण नहीं किए थे। तो मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयउ बीती दिने पहरे अढ़ाई। तो अब कुछ आहार करना चाहिए, कल से निर्जल लोग बहन। तो विश्वामित्र जी कहे कि हे रघुनाथ जी, उचित ही कह रहे हैं, आज भी 2.5 पहर दिन बीत गया। भे रघुनाथ जी अनुचित कभी कहते ये ने। अब जैसे जौन अवस्था बा, जौन व्यवस्था दिखाता, तो अब जे जहाँ बा हर जगह यह सोचा था कि नहीं, जौन कहत रहे पहले सही कहत रहे हमने का दोस्त, लेकिन दोस्त कोई के नहीं हो, कोई अपने अंदर ग्लानी न रखे और कोई दूसरे के दोस्त, ठीक ना। ये बात पूरे विश्व भर के लिए बा, कहे कि कोई के व्यक्तिगत कुछ कहो का आदेश नहीं बा, सब जने समझ जाए एक साथ है, ठीक ना। तो ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, इहां उचित नहीं असनय नाजू। कहा भूप भले सब ही सोहाना, पैर जाय सू चले नहाना। तो विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी कहे कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। अब कोई मानता बिटिया के यहाँ गलबान तब वो दावत आंच आपकी मैं बिटिया के यहाँ जाते अन्न ग्रहण। ये सब देखो तो भाई जनक उसे दूत आए तो बेचारे कुछ खबर नहीं ले, कहने अरे महाराज यह धर्म हो। अब समझा कि पहले के लोग कितना समझदार रहे, और आज दूत आवत है उन्हें कुछ अगर देते है समझ के जने, तो इसनो हुई है कि उठा के फेंक देते हुई है ठीक है, भीग दे नहीं बड़ी तो राजा जनक जी की भी बात सबको अच्छे, सबके मन को अच्छा लगा ने? और सब आज्ञा पाकर नहाने चले ने? बैठे हैं कुछ बात भयल 2.5 पहर तक, लेकिन कोनो जो है उनमें रस नहीं रहा, इस बात के यहाँ लिखा नहीं। और वो नीति नियम कल्याण हो भाई, कल्याण वो नीति नियम कल्याण हो भाई, बस बैठो। आज भी आप लोग समझौता है तो आनंद मिलता नहीं। जब इसमें नहाए बदे गए है ना, तो पंचम भाई सही समय पे आए है ना, लेकिन जौन करे चाहे वो करके आए, जौन करके आवे के चाहिए है ना, नहीं आए नहीं से राम जी भाई के पीछे जाके लोग आके बैठे। समझो चिंता मत करो, सब कल्याण बा पंचम भाई। तो कहे का गुरु ऐसा कौन चीज करे के रहा है जो नहीं करके आए,
ने पंचम बार एकदम खुल के रह कोनो यहाँ डर है का बा तो क्या करे के रह जौन तू नहीं कर चाहिए देखो ऐसा नहीं बात बा कि कहीं अनुचित बात तो ते ही अवसर फल फूल दल अमूल अनेक प्रकार लैया ए बन चर विपुल भरी भरी कावरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी खोल किरात लोग ले करके ठीक ना पंचम भाई उन्होंने तो लेके आए अब तू है गलती मन से खियावा जाने मन से भी दिया खियाओ जला इन्हें बहुत लोग जो है जहाँ जहाँ अपने अपने जगह बहन ने खाए बदे बैठी तो कहीं याद आवा था हाँ तो कोई बात नहीं मन से जो ना सजने इन्हें खूब पकौड़ी गुलाब जामुन जितना किया वो किया वो इन सब कर पा जाइए हैं मिला ला हाँ आज के मन ही है कि ना समझिए खेबा ना खेबा नहीं जे जान कुछ किया हो चाहे सब खा लीजिए ठीक ना तो कामद भे गिरी राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषाद असर सरिता बन भूमि विभाग जनुम गते आनंद अनुराग श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए वे देखने मात्र से ही दुखों को हमेशा हर लेते ठीक है वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में आनंद और प्रेम उमड़ रहा ने आप लोग देखे आनंद आवता सदमार्ग मिला बा सोचता है तब वो आनंद आवता जब चलता है तब वो आनंद आवता ये ने और ये दिन पर दिन निखरते जाई ये महिला हुआ वाला नहीं बा ऐसा हुआ चाहिए परिवार के हर सदस्यन के जने गुदावत है तरसा लगी है जो इंद्र जो कही है ये हमारी इंद्र का नौकरी नौकर भवा चलो धरती पर बढ़िया बढ़िया बा जने कहे कि भावनात्मक संबंध भी बहुत पवित्र हो जने लेकिन वो पवित्रता के कोई बचावे वाला ने सब राम जी भाई कहले ने नहीं बा कोई महाराज देखो जब सोचा ले तो लगला नहीं तो बेली बिटप सब सफल सफूल बोलत खग मृग अली अनुकूल अते ही अवसर बने अधिक उछाहू त्रिविध समीर सुखद सब काहू अजाइन बरनी मनोहर ताई जनुमहि करति जनक पहुनाई
जो लताएं हैं और वृक्ष सभी फल फूल से बिल्कुल युक्त हो गए, मौसम नहीं रहा, लेकिन श्री राम जी की ऐसा कृपा कि सभी फल फूल से लग, पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह में ही तो आनंद आई रहा और सब किसी को सुख देने वाली सुंदर शीतल मंद और सुगंधित हवाएं चल रही थी और वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, इतना मनोहर वन है। ऐसा जैसे लग रहा है कि धरती माई जनक जी के मेहमानबाजी करत आई पहुनाई। इधर यहाँ तो मेहमान नवाजी है कहा लन है कि पहुनाई कहा लाए हो? ये बिहार का शब्द है, वो दमाद लोगन का पहुनाई उहर बड़ा रे कुल अपन माई बाबू छोड़ के जनो लगे लेन वहाँ सासू माई के जोन हो आनंद लिवे मैं सासू माई के चक्कर में अपने माई के भूल जा लेन कुल। हाँ महाराजा गंज अब जगह जगह बिहार में बिया भाव जानी है बात की। हाँ महाराज बिहार में गैल हूँ कबीर का महाराज ये ने एक खेत लड़का अपने बहुआ के मार रहे कहन का करे बार बार जाले क्या करवे उसके बाद में वो लड़का के बड़ा डांटे जाके पुले कायदे से पैर पकड़ के माफी मांग तो इधर आओ नहीं तो बाकी ऐसे हर पुत्र के अपने पिताजी के सम्मान एकदम शंकर जी के तरह हर पुत्र का पिता उसका अपना शंकर जी है ठीक ने क्या कर दे तन्नी बुढ़ी के जिंदगी अब ऐसा बेटवा ढूंढवे ऐसा बाऊ ढूंढवे ऐसे खाली सब जने अपन अपन चरित्र पवित्र कोई कह सकते नहीं बदलत एक दिन जनो पहाड़ पर खेर ऊपर जी आशय में तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आये सुपाई। तो तब जनकपुरवासी सब लोग स्नान कर के श्री राम जी और मुनि की आज्ञा पाकर जो जनकपुर से लोग आए हैं वे लोग देखी देखी तरु बर अनुरागे जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने अब जनकपुर के भी आगल दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना असादर सब कह राम गुरु पठे भरी भरी भार अपूजी पितर सुरे अतिथि गुरु लगे करन फरहार। ने तो पवित्र सुंदर
और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। ठीक ने पंचम भाई तो हूँ एक हाल है मन से फल फूल लेके ना भगवान के पास जयाल बा ओके मनवे से खिया दे मछली मत खिया है। ठीक ने माने जयाल बा कंद मूल फल फूल ठीक ने मनवे से दे दे वैसे तो नहीं बा ठीक ने तब पितृ देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके लोग फलाहार करने इतना करे में चार पहर बीत गया नहीं अढ़ाई पहर बीतले रहा डेढ़ पहर तो यही विधि बासरे बीते चारी रामुनी रखी नरे नारी सुखारी अदुह समाज यसी रुचि मन माही बिनुसी राम फिरब भल नाही। इस प्रकार चार पहर ही नहीं हाँ चार पहर बीत गए और लोग प्रभु को देख देख कर सब नर नारी सुखी हो रहे लेकिन श्री राम जी के बीच में और भी लोगों के बीच में कोई वार्ता नहीं हो रही और चार दिन बीत गए यानी ऐसे ही मौन नहीं सब जन नहा भगवान के देखे खुश रहे पंचम भाई अपन फल फूल लिया हुए सब खा पिए कोई यानी कहे कि हम जब जैसे नियम के बाद बा देखे आप लोग भी समझता है गुरु जो ने अवस्था से सब निकल के यहाँ तक आयल बा तब तो भाई ऐसे मिलना ठीक नहीं बने कैसे ही जाके मिल जाए कुशाल गांव में चल जा या धुनेश्वर चला जाए ऐसे से नहीं नहीं माने कि अब नहीं जो रास्ता निकली है वही से कुल हुआ वाला बा बाकी संसार ब्रह्मांड में कहाँ ब्रह्मा की यहाँ बुद्धि बा नहीं। बस ये है सोचिए जहाँ रहे खाए पिए रहे खुश रहे जबकि यहाँ से बुद्धि सफा सफा दियाद भी बा कि समझो कितना गहरी बात नहीं चल अब दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। ठीक ने तो सी इतना नहीं देखो कितना प्रेम बा कि सीता राम संग बन बासु कोटि अमर पुरे सरी से सुपाशु श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना वो करोड़ों स्वर्ग के समान सुखदायक ने
यही से भूरेश्वरी कही कि हम पेड़े तो रहब आपके साथ ही, हमें यही ना सुख बा, लेकिन कहे कि अब क्या करबे, साधु के अवस्था में दासी के जगह नहीं बा, जो नियम बा, अब जितना समय मिलकर वही में संतोष करना ही तो उचित बा भाई ने। गणेश जी हाँ, कहे कि संसार में प्रपंची लोगन साथ में मिला ला समय ज्यादा रह के, नहीं देखो इतिहास में कहा सीताराम जी साथे बहन बिया भल तब से बनवास, तब से जो है कि कुछ रहन साथ में, तब से हरण और तब से आयन, तब से फिर बनवास, नहीं तब प्रपंचिया लोग संसार में पड़ा रहले, कहीं अलौकिक प्रेम नहीं बा तब वो वही में लहाओ तैन की चला, अब सुधर जाइए, अब सुधर जाइए, अब करत करत के चक्कर में देखो। राम सिंह भाई कोई ऐसे नहीं सुधरे वाला बा, जब तक भगवान अंदर बैठ के सुधरिए ना तब तक कोई सुधरे वाला नहीं बा, तो अंदर बैठिए लेकिन जब मन पवित्र करवे तब ने है, तो उन गंदा जगह नहीं बैठते हैं, वो गंदा जगह नहीं बैठते हैं। तो ये बतावे आप लोग जो है बैठेबे हर क्षण बदे, जय दबही बोलबे तो उल्टे पुल्टा बोलबे, धरती पर जे भी अपने आप के श्री राम जी के भगत कहे चाहे, और चाहे कि वो कभी भी एक क्षण के लिए हमरे चित्त से बाहर न निकल पावे, ओके बदे चार ठे काम करे के पड़ी, ठीक ना, तो ले जितुआ बदे है ओके करो, का बा ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, विश्व का कोई भी व्यक्ति अजमा सकता है इस बात को, अगर इनकी बाणी कर जाए इनका गर्दन उड़ा दिया जाए, ठीक है, तो जैसे लगा था युद्ध छिड़ा हुआ, ठीक है, वो कारी बना था कि एकदम बात सही है, क्या करे के बा कि बचन कर मैं मन मोरी गति, अब भजन कर ही निष्काम, अतिन के हृदय कमल महू करूं सदा विश्राम, इतना ही है। कि जो भी जीव सोच में हमेशा श्री राम जी को रखे, कर्म में हमेशा प्रभु को रखे, बाणी हमेशा प्रभु को ही दे, ठीक ना, और निष्काम भजन, चार चीज होएगा, सोच कर्म बाणी और निष्काम, प्रभु एकदम साफ शब्दों में जने यह कहते हैं कि उनके कमलवत हृदय में, उनके कमलवत हृदय में मैं हमेशा निवास करता हूं, विश्राम करने तो उस समय घरे पे अपन बनाए हुए ने बैठका उठका खा पी के थोड़ा विश्राम करे बदे जने
ठीक ना, तो ये चार ठे काम करे के बाद जहाँ भी रहो है ना, ये भी रविशंकर के माना था, यह चार काम करे हमेशा प्रभु उनके हृदय में विश्राम करी है और कभी उन्हें गलत मार्ग पर जाए, ये इतना कर ले वह रविशंकर के प्रेम करता, नहीं तो कोई प्रेम रेम ले ये ने। यही बात सब सुनिए ने, ये तू तो एक के बारे में कुल प्रेम जोन हो और का भाल भा सफा सफा आत्मा के द्वारा से चला था, नहीं मन से कोई एक को सेकंड के लिए चल रहा आत्मा निकले के बाद, इतना नहीं आजकल है सब पखंडियन कलन की गुरु सबसे बड़ा है, भगवानों से बड़ा गुरु है ये निकृष्ट जीव कह के गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ऐसा गुरु कहा बैद मोह माया इच्छा रहित शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के चरित्र धारण किए हुए, जे भी बाव अपन चेला के चक्कर में बाकी नहीं, ए भगवान शिव जी खुद कहे हैं। कैसे कहे, पार्वती जी से कहिए और किसे कहिए, क्या कहे हैं कि उमा राम सत उमा राम सम हित जग माही अगुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती, श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता भाई और स्वामी कोई नहीं, तो शंकर जी का बाणी नहीं करते हैं, बड़का गुरु बना रहा कि गुरु गोविंद भी होता है नाटक करता है, क्या कर रहे चरित्र लेके आवे एक को जो ने किया देख ले, हाँ नया नया जो ना कि पाखंड रस नहीं है, कहीं हम धर्म का संस्थापक है भगवान है, तू कुछ नहीं, तू खाली जनता के मन भटकावे वाला राजा सा है, अपने अपने औकात के समझो, उद्धा बुद्धा हुआ अविरा कबीरा हुआ और अब हंस परम हंस हुआ उसे मतलब नहीं बा, ठीक ना, पक्का पक्का शंकर जी का बाड़ी काटा था सब। हाँ मेरा शंकर जी क्यों बराबरी को है नहीं पाए सबसे बातें कटर लगा ने, शंकर जी से बड़ा डॉक्टर के बा क्यों नहीं है, गणेश जी के गर्दन कट गया तो कितना बढ़िया सर्जरी कर देन हाथी के गर्दन लगा के ये भाई सर बिना लाइव के ठीक ना, याने ठीक ना, ते समझो ये सब बात के बड़ा बारीक बा, श्री राम जी बिना इच्छा के कितना जनों की योनि में जन्मा हुआ हर जगह तो मदद है, इच्छा रही है कितना योनि में आपके अहम के भाव के, लेकिन वो नहीं चलाता है कि चली बिना आत्मा के कौन जीव, कौन जीव तो बिना आत्मा के जीव का गुजारा, लेकिन वो आत्मा के कोई प्रेम नहीं करता, ढेर सारा माया दिखाई, तू नहीं जानते हम तो के कितना मानी ना, तू तो ऐसे ही खाली कॉल है ऐसे ही ने, तुसे मेरारू वाला है ऐसे ही बाड़ी सुने हो बे, क्या माना था हु? मोह ममता के जनों मिलावट अपने लालच बदे, देखे अब कोई के लालच नहीं बा, के माना था तू पेड़े तो रहा ठंडी पर चाहे बर्फ पे बैठा चाहे पानी में भीगो, जब पैसा न कमी हुए तो के मानी, ठीक ने बाबा समझो कि उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कहे
कि सुर नर मुनि सब करे यह रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। यहाँ सुर नर मुनि के तो बात छोड़ो, सबसे राक्षस बैठा ले भाई अंदर, राक्षस बैठा बने, जो भी हिंसा का भाव है वो राक्षस है। कोई के कष्ट देवे के अगर तनको भाव बा तो वो राक्षस के कंट्रोल में बा, क्या है कि राक्षस दुख दे ले। ये ने ठीक तो देखा सीताराम जी के साथ करोड़ों जो है अमरावती पुरी यानी स्वर्गलोक के बराबर सुख बा यही जंगल में, यानी क्या करवे, इतना तो सबके मौका दे भाई। चल है कोई बात नहीं, देखा ले आप लोग की यहाँ इतना सब बढ़िया से लोग समझता है, आप लोगन के भी अंदर भाव तो उतर हुई, सब गांव वाले आके सुने समझे तो कितना खुशहाली, लेकिन कोनो आवत नहीं भाई नहीं, तो जे नहीं आवत आऊ जानता है काहे बदे, काहे बदे कि परिहरी लखन रामु बै देही अजेही घरु भाव बाम विधि तेही। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत, इसका अर्थ है इनका दोष नहीं है, विधि विपरीत है यह ने। अब देखे आप लोग जब समझौता है सेवक भाव समझ गई ले, सीता जी के बैठा ले हृदय में शांति सुमति पवित्रता, श्री राम जी के बैठा ले मोह माया इच्छा के, ओकरे बाद देखे निष्काम सेवा निष्काम भजन करबे तो ये भाव एकदम पक्का, और जब इच्छा रहित रहबे तो फिर क्या है शरीर छूटे वो समय देखो कोनो मतलब, हाँ तो छोड़ दे जब स्थिर हो गई ले तब। अब जैसे साधन बा, साधन से जब पहुंच गई ले दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से भुवनेश्वर पहुंच गई ले तो के छोड़ ना दे बे, तो के बिठा ला बे। ठीक ने, जब जब मुक्त हो गल तो शरीर छूट जा छूट जा, और जब तक शरीर बा तब तक भगवान के जो स्वरूप में बा, जे भी संपर्क में आई वहू के कल्याण, अपने से ककरे छोड़बो करबे, है कि मुक्त होके जइबे कहा तो रामा जी के अंदर तब आए। हाँ आप दोपहर में समझ गल बा, ठीक न, ऐसे बड़ा कौनो अवस्था कोई के न मिली था, कोई कितनों जाके समाधि लगा हुए ले। ठीक तो कहते हैं इनके करीब के आई कैसे आई लोग, विधाता विपरीत बहन तो दाहिन दयु होई जब सब ही राम समीप बसिए बन तब ही। जने जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता, ठीक, चाहे घरे में रहो चाहे एसी में रहो कहीं भी रहो
हमेशा मन से साथ में रहो, कर्म से साथ में रहो, वाणी से साथ में रहो, निष्काम भजन करो, देखा हमेशा महसूस करबे अपने अंदर। नहीं ये सब न रहबे तो ये कहो कि प्रभु जबरदस्ती घुस के बैठे ये ने तो मंदाकिनी मजनुति हूँ काला राम दरसु मुदे मंगल माला अटनु राम गिरी बनता पशुथल असनु अमिय समय कंद मूल फल। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान सुबह दोपहर शाम और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन यही सब वहां मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि सुख समेत संबत दुई साता पल सम हो ही न जनिया ही जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फल का भोजन, सब लोग सोच रहे हैं कि 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, माने बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़े। नहीं हाँ तो अगर यही बदे वनवास भा हो तो बात नहीं बल वनवास भा बात एक पीछे जरूर बहुत बड़ा रहस्य ने। जैसे अब यही शरीर के जो निस्वस्था बा तो आप लोग समझ ले, नहीं तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था लगत बा ने, लेकिन ऐसे ही बदे नहीं बा रहस्य बा एक पीछे ठीक ने। ठीक तो यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ अस भाग सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं। मैं देखे कहा भाई हमारे ऐसे भाग्य कहा है तो भाग्य नहीं बा क्या मतलब कि गणेश जी का बुद्धि नहीं बा जेकर गणेश जी का बुद्धि बना लायक बा तो वही के ना भाग्य हुई। सब कहाँ से आ जाइए गिद्ध की तरह मांस नोचे वाले ये ने जो देखा था गांव में सब मांसाहारिया तो हुई है ने। ठीक तो दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम, सहज स्वभाव से ही प्रेम होना दृढ़ अनुराग कहलाता। सहज स्नेह से प्रेम का अर्थ क्या हुआ, प्रभु ये आप ही की आत्मा आप ही है, यह शरीर आपकी माया का है,
और जो कुछ हो रहा है आप ही के द्वारा हो रहा है, हम इसमें अलग से कुछ ठीक नहीं। सरल तो बा खाली है हमके निकाल ला, वो इतना बस देखा बा मुक्ति कितना सरल बा, एमे कौन 10 जन्म लेवे के पड़ी राम जी बा, इतने काम करे के बाद में इतना समय लग जाई ठीक ना। तो यही विधि सकल मनोरथ करही, अब बचन सब प्रेम सुनत मन हरही, जने इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे उनके प्रेम युक्त बाणी सुनते ही सुनने वालों के मनो को हर लेते। देखो मन नहीं हर उ हरता है अरे यार, जब इतना बढ़िया बा सरल बा तो फिर मनवा के में लगा करके मनुष्य जन्म का परम लाभ काहे न ले लेवे, तो मन नहीं हरण हो जाता। तो यह होगा कि चाहिए कि और का इतना छोटा सा काम बा, यही बदे सबने कई थे रास्ता निकालो सैन नहीं, जबकि मन के प्रभु के शरण में एकदम समर्पित कर देना ही जीवन का परम। ठीक तो देखो जब ऐसा अवस्था बा जाने, तो अब देखो सच्ची माँ के चरित्र, सच्ची माँ के चरित्र का एक अवसर बा यहाँ कि सी ए माँ तू ते ही समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। उसी समय जब लोग स्नान करके इस प्रकार का भाव में हैं, सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां, सुनैना जी दासियों को कौशल्या जी से मिले की वा ने? देखो एक राम की माँ है और एक आदि शक्ति भुवनेश्वरी की माँ है ना? तो कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख करके आई कौन दासियां ठीक ने, कहे कि पूरा दुख का वो एकदम व्यवस्था बा उनमें उचित समय देख के आई। तो साव का से सुनी सब सी सासु, आयउ जनक राज रनिवासु। तो उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, तो जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया, माने जो जनकपुर से लोग आए हैं और माता सुनैना जी सहित लोग आए ठीक। इसमें बराते में चला जाता ही सीधे न माई नहीं तो मौसी तो पहुंची जाता ही ठीक। देखो ये पहला बात देखो पकड़ा जा, या संसार की सभी माताएं समझे ये सब भाव। हाँ तो कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी।
कौशल्या जी आदर पूर्वक उनका सम्मान करती और समय समयोचित आसन लाकर दिए। अब जोन बा अब वहाँ वहाँ कहाँ सोने के जो ठीक ना, तो समय के आदर के साथ सम्मान करना सबसे पहले तो यह सबसे बड़ा आसन तो यह बा। तो सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा द्रवही देखी सुनी कुलिस कठोरा अपुलक शिथिल तन बारी बिलोचन अमहि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर, सील मतलब मर्यादा और प्रेम मतलब कि वही दृढ़ अनुराग को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते ने? शरीर पुलकित और शिथिल है, मतलब रोए भर भराए हैं लेकिन एकदम स्थिर बा, शोक में बयान न डूबा और नेत्रों में शोक एवं प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। जने समझा था ना? क्या कहे, क्या है कि जब शोक में अगर आदमी रहला तो कुछ कहो, आप लोग अनुभव करे हुआ तो करे हुआ ये ना? ठीक एन तो निकल गया, इन्हें कोनो से मतलब नहीं लगा। ये संसार में हर्ष की साथ के सुख दुख के जीवन मरण के कोनो शंकर जी ईश्वर बना दे भाई में का कोरी भागले भाई ये ने? सब सिय राम प्रीति की सी मूरत, सब सिय राम प्रीति की सी मूरति जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पय फेनु फोर पबिता की। सभी जनकपुर से जो लोग आए हैं और जो अयोध्यापुर से सब लोग, सभी के सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी जाए। जैसे भरत जी का प्रेम है, कहे ना कि भरत जी श्री राम जी के प्रेम की, तो यहाँ सभी के सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति जैसे मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश यानी रूप धारण करके विशूर रही हो, विशूर रही हो माने दुख कर रही, ठीक ने? सीता जी की माता सुनैना जी कही, देखिए क्या कहती हैं, कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, विधाता की बुद्धि ने जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। सीताराम जी दूध के फेन
देखो माता सुनैना जी उस समय के सीन याद करे जब श्री राम जी तू सोलब दे गल है तो कितना समझदार रही। अरे कोई समझावत नहीं का लड़कन से करावत है नहीं याद बने है तो उन्हें तो यह हो यह पवित्र भाव हो एक बात है ये ने तो नहीं बात कहते ही तो समझ में आवा था इतना बड़ा काम होगा ला भाई वो दूध का फेन है जितना है माने तात्पर्य यह है कि अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढहा रहा कौन ब्रह्मा ठीक ना ये उनका परम पवित्र प्रेम बोल रहा है ये कोई अलग से बनावटी नहीं है बनावटी नहीं ऐसे ही जब नहीं के बारे में लोग सोचा लेन ने तो यह कुल समझा लेन भाजन है कि उन कितना अच्छा कैसे कैसे ठीक अब एक थोड़ा समझो अब जितना बुद्धि बा ये ब्रह्मांड के अंदर देख ले ले अबला नारी जैसन तो कुल बुद्धि तो दोसा के चक्कर में लगा बा या तो मुक्ति के चक्कर में लगा बात सदी तो अगर चक्कर में पड़ गई ले तो घन चक्कर न बनी गए यही से चक्कर में न पड़े के यह ना बुद्धि बा तो यही से ब्रह्मा का बुद्धि टेढ़ी बा अब सब घन चक्कर पड़ा बहन और प्रभु बहन तो उन तो भाई सरल कोमल बटले बहन वो कहाँ कठोर बहन ठीक ठीक ना यही से उन्हें भाव का पवित्रता ही बतावता कि बुद्धि ब्रह्मा जी का हमेशा टेढ़िया होला ऐसने चक्कर में डलिया जहां से कोनो लीला किसे चली कबड्डी बने यहाँ साधारण कबड्डी कहा लोग नहीं जीत पाते और यहाँ तो पूरा एकदम पाला चीर कर रवि गुरु देखे निकले और बाद में फिर वापस पाला से बगल आ गए अब सब कहते हैं कि अब ये बगल तो कसर नहीं अब हमार खेल अब वो बगल आए की जरूरत हाँ यहाँ से रास्ता दे जे चाहे रास्ते सो के पाला छुए और ये बगल एक बदे बा लेकिन कहा अगर एन अब वो पार चला जाए नहीं अब मर्यादा बिगड़ जाता नहीं भाव सागर तो छोड़ा अध्यात्म सागर में नहीं जाए के बा नहीं माने सदगुरु वगैरह भी बन के कोनो ड्रामा नहीं करना बा हाँ तो सुनिए सुधा देखी यही गरल असब कर तूति कराल जहाँ तह का के उलू कबक मानस सकृत मराल अमृत यानी केवल सुनने में आता है अमृत देखे बा कोई ने है लेकिन विष तो जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते जहर तो देख सकल है लेकिन अमृत विधाता की सभी करतूते भयंकर है
ब्रह्मा जी के सभी करतूत जहां तहां, माने जहां तहां काहे समय तो हर जगह कौवे उल्लू और बकुले ही दिखाई देते, हंस तो एक मानसरोवर में ही। तो देखा आप लोग यहां थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। प्राण सबके प्रिय बा, और प्राण के उत्पन्न करे तान के शिव जी, और शिव जी के मान सरोवर के हंस हैं श्री राम जी। तो या तो वे हंस के साथ रह ले, या तो फिर ये हंस के साथ में रहबे तो कहीं समस्या। कहे कि सोच कर्म बाड़ी और पवित्र होबे न करी तो कहाँ समस्या होई। यह ने ठीक ने हनुमान जी कहें कि अब समझ जा। हनुमान जी ने करा था बात पकड़ में आता। तो प्राण का मतलब कहाँ बा जब वो हंस के साथ हो गई लेते। यह ने तो बस यही के साथ हो लेगा कि भाउर का ठीक। तो देखो जब सुनैना जी इतना बात बोनी बोलनी है तब देखा लक्ष्मण जी के माता जी का कहते हैं कि सुनी स सोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा अजो श्री जी पालई हरई बहोरी बाल केली समय विधि मति भोरी। देखिए कितना अच्छा सुनैना जी बोली। अब माता सुमित्रा जी यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता ने। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, यानी विवेक शून्य। अब समझ ले कि संसार जगत में जितनी बातें होती हैं ये सब विवेक शून्य बातें। और देखो विवेक कब हुई, जब वैराग योग ज्ञान विज्ञान ज्ञान हुआ हुई हुआ विवेक बा। मतलब जैसे ज्ञान हो जाई ओके मोह और भ्रम का एक के भी अंश चित्त के न छू पाई बा। तो देखो वो कहाँ बा ने? तो कुल विवेक सुन नहीं बन। अगर मोह भ्रम बा देखा मतलब विवेक नहीं बा। ये ने ठीक। यह देखिए माता सुमित्रा जी की बाड़ी पकड़ लीजिए। इस संसार में जितना आप व्यवहार देख रहे हैं सब विवेक शून्य व्यवहार है, इसमें विवेक की कोई बात नहीं है। खाली है 10-11 बजे तक बातचीत होता नहीं। तब देखिए कौशल्या जी क्या कहती हैं। देखिए यहाँ तीनों जने के एक साथ में आया गरबा, तीन चौपाई में तीन लोगों के विचार पकड़ा जा। ऐसन माँ अगर रहे तब ने एको माँ ऐसन नहीं भाई। ऐसन माँ रहे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लवकुश गणेश पैदा हुआ में कितना समय लगी ने?
तो कौशल्या कह दो सुन काहू कर्म दिवस दुख सुख क्षति लाहू कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी कही कि किसी का दोष नहीं दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन जने कर्म की गति कठिन यानी दुर्विज्ञ है कि जिन्हें कर्म करवा उकर फल मिलना ही मिलना बा उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला देखो विधाता सबके फल देता है उनमें सब दोष लगे हैं रविशंकर के। रविशंकर का कर्तन था वो तो 2011 में चल दे हैं मंगलवार 26 अप्रैल 2011 उनका अंतिम डेट वो जीव के रहा ठीक ना। ओकरे बाद रविशंकर कोनो रोल नहीं फिर प्रकाश का उप प्रकाश का भी जीव 14 नवंबर 2016 के हमेशा के लिए वो परम धाम में लीन हो गया था। वो है आत्मा रूप ठीक ना मतलब थोड़ा सा भी अंश अब नहीं जा। कितनी बड़ी बात कौशल्या जी कही है अगर श्री राम जी को मानते ही है तो माता कौशल्या जी का एक बात मान लीजिए तुरंत कि किसी का दोष नहीं अगर मनवे ना तो फिर क्या मतलब बा ये ने तो ईसे रजाई शीशे सब ही के उत्पति थिति लय बिसहु अमी के ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। जो सब सोचो ला कि हम स्वतंत्र ही स्वतंत्र कोई क्योंकि ईश्वर की आज्ञा जैसन कर्म करे बा जीव तो ईश्वर ओकर जो लिखा बा ईश्वर मतलब यहाँ ब्रह्मा से बा ब्रह्मा जी की आज्ञा सबके सिर पर है। उत्पत्ति पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है माने ये सब भी उन्हीं के अधीन। ब्रह्मा जी के बात नहीं बात अभी वही श्री राम जी के नहीं उत्पत्ति पालन संहार उन्हीं के संकल्प से होता ना सब नहीं। और कहती है माता कौशल्या जी कितना अच्छी बात बोल रही हैं कोई माँ नहीं बोलती ये बात कहती है कि हे देवी सुनैना जी को मोहवश सोच करना व्यर्थ है। आप लोग जो सोच लेते हैं वो मोह के बस में होने के ठीक ने विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। यह जो प्रपंच चल रहा है यह अचल और अनादि है
एक कभी ऐसा नहीं किसका आदि अंत, बस जो अपने आप को ले करके मुक्त हो ले उसी का तो पुरुषार्थ है। और मनुष्य का शरीर पाकर जो यह काम नहीं किया वह समझ लीजिए श्री राम जी का उपकार नहीं माना, और जो प्रभु का उपकार न मानी वो कभी कोई का उपकार उपकारी हो ही नहीं सकत। यही ने देखिए कितना ज्ञान है माता श्री राम जी सब ध्यान है न, तो यह सब चीज आपस में लोग श्रद्धा भाव से समझें, अपन सेवा भाव स्थिर करें तो हमने मनवा स्थिर हुई ठीक समझ में आता। तो भूपति जी अब मरब उरेयानी सोचिए सखी लखी निज हित हानि, सीय मातु कह सत्य सुबानी सुकृति अवधि अवध पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर, अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती है। अगर स्वार्थ न हो तो चिंता, अगर कोई कहता कि हमें चिंता होता तो एक अर्थ बा कि ओकर स्वार्थ बा, बिना स्वार्थ के चिंता या नहीं मन चाहे देख ले ये इतना बैठ के ककड़ी खीरा का देखा और से कोई का मुर्दा होता जरोता लेकिन कोनो फर्क नहीं, वह अपने जो ना पास पड़ोस को होए तो थोड़ा बहुत, तो बिना स्वार्थ के चिंता देखिए कितनी बड़ी बात है। माता कौशल्या जी कह रही हैं कि ये जो जीने मरने की बात हृदय में याद करके चिंता करती हैं महाराज दशरथ जी का, माने महाराज का नाम नहीं ले रही हैं, यह अपने स्वार्थ बस करती है या ना, तब वो सब कहे कि हम कहां स्वार्थ बात उसे नहीं हाँ, तू तो हम आई के खाली कॉल है हमें कहा लालच बा, मैंने जान बुझ करके मेहरारू का आवाज कुछ ऐसे ही नरम नरम होला ने थोड़ा समझो बात के। तो देखिए इतनी बात जब माता कौशल्या जी कहती हैं कितनी बड़ी बात है, इसको कोई माँ पकड़ के दिखाए तो सीता जी की माता जी कही कि आपका कथन उत्तम और सत्य है, उत्तम और आप पूर्ण आत्माओं के सीमा रूप, माने सबसे बड़े सीमा पूर्ण आत्मा में दशरथ जी, अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहे। तो मतलब जौन माई लोग ए प्रकार के बाणी नहीं कहता इन नहीं समझौता इन तो वो पाप आत्मा बाई, क्योंकि पूर्ण आत्मा तो ऐसा बाणी बोले चाहिए, अगर ऐसा बाणी नहीं बा ऐसा विचार नहीं बा तो पाप आत्मा है ना, और कोई से कह दे तू पापी नहीं ना तो बताओ सही गणेश भाई
ऐसनो मेरारू बहन की वो खाना में जोहर डाल के मार देता ही ठीक ने हाँ यही से अगर कोई के पापिन कहबा तो वो मामला ठीक नहीं बा लेकिन जेके रोटी से मतलब नहीं बा तू रबर कूड़ हल्का के कहबे करी पूरी आत्मा बन सके तो इतना सुंदर बाणी और कोई बनावटी नहीं कर सकत बनावटी यही ने तो लखनु रामुसिये जाहू बन अफल परिणाम न पोचु गहबरी ही कह कौशिला मोही भरत कर सोच। देखिए समझिए माता कौशल्या कौन है, क्या कोई माँ जो है वैसा सोच लाएगी, कोई है धरती पर? हाँ बने इतना आसान थोड़ो बा ये ने। कौशल्या जी माता कौशल्या जी दुख भरे हृदय से कही कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, इसका परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। अनुभव कर ले तुरंत ने, मुझे तो भरत की चिंता है क्योंकि भरत बिना राम के रह यानी तो देखो अब राम लक्ष्मण सीता जी अब निकला बहन अलौकिक भाई लौकिक में तो रवि गुरु कुशा वाले बटले हुए नहीं और भाई जोन बात बा तो बढ़िया बात नजदीके के बाय कोनो दिक्कत नहीं बा ठीक ने ते कहे कि एक महसूस करत जा लो कि कितना बड़ा जो है ये व्यवस्था तो राम लक्ष्मण सीता जी वन में जाए तो एक परिणाम अच्छा ही है ने? तो लौकिक वो लौकिक रहा ये अलौकिक बा। अभी जब गणेश जी तैयार हो गए लक्ष्मण के भाव आ गए राम जी के भाव आ गए जौने क्षण वही समय कर पूर्णावति समझे सही सही नहीं कहते भुवनेश्वरी देवी जने तो पैदा करो पार्वती नहीं सरस्वती लक्ष्मी और भी जितनी भी क्षमा संतोषी ये आचरण से ही तो होगा ना भैया बताओ भाई सतयुग का स्थापना गणेश जी कुछ तो नहीं बस और भैया नहीं बस थोड़ा सा आप लोग ये ताकत फोर दल है अब ही तो दुए सीढ़ी उतरत है नहीं और देख लो क्या अवस्था बा ठीक ना ठीक तो ईशे प्रसाद शीशे तुम्हारी असुत सुत बधु देव सरी बारी राम सपथ मैं किन्हीं ने काऊ सो करी कहाऊ सखी सती भाऊ ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं
गंगा जी के जल के समान पवित्र, कौशल्या जी कह रही है माता सुनैना जी से कि हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव काती ने? पहली बार यहीं पर जो है श्री राम जी की शपथ क्या कहती है सुने, और एकदम जब समझ में आओ तो के धारण करे में तनको छड़ मत ले। तो भरत शील गुने विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, शील गुण विनम्रता बड़कपन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का आठो वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। समझे थे ने? सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, एक घुमा ले ले और समुद्र के एकर कहे का अर्थ का बा, सरस्वती जी का बुद्धि है सी और भरत जी का है एक है बूंद दूसरे का ले ला धाम बा, भरत जी के का कोई समझी ये ने? ठीक ने? और क्या कहती हैं कि जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहे महीपा। कहती है माता कौशल्या जी एकदम एक एक क्षण को उपयोग करिए ना, भरत जी को हमेशा कुल का दीपक जानती हो, कुल का दीपक जानती हो। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहे थे। क्या कि कसे कनक मनि पारिखी पाए, पुरुष परिखी यही समय सुभाए। देखिए दशरथ जी की बारी, बार बार मुझसे यही कहे थे कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी माने जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही यानी उसका चरित्र देखकर हो जाती है ने? समझे कैसे निकला वही चरित्र? ये महाराज दशरथ जी की बारी।
अब ऐसे बड़ा कौन भयंकर समय आई जहाँ देखो नहीं इनकर ये न फिर भी देखो आप लोगों के सामने बहुत बताओ सही ने कि शंकर जी हनुमान जी सजने मिलके संभाल लें भाई बहुत बड़ी कृपा भा समझ में आल बात ही तो अनुचित आजु कहबयस मोरा शोक स्नेह सयानप थोरा अश्विनी सुर सरी समय पावनी बानी भई स्नेह बिकल सब रानी। माता कौशल्या जी कह रही है कि आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेह में, शोक और स्नेह में शयानापन यानी विवेक कम हो जाता, कम हो जाता अगर शोक और ममता वाला प्रेम रही तो उनमें विवेक यही से जो कह लें कि यार निष्काम सेवा लगाव वाला सेवा थी इनका कुल निचोड़ के सही कम शब्द में कि देख भाई सही बा और पूरा विश्वास करके चलता है लोग तो उसका परिणाम खुद हम अनुभव करता है जी। माने लोग कहेंगे कौशल्या जी इस बात को यही सोच के कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज ऐसा कहे ठीक ना। तो कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाड़ी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी ठीक ने। ते सब पवित्र बाणी पवित्र भाव कहां रहा आज धरती पे ने समझा जाए कि एक बात के लोग बैठा हुए जाने ठीक। अब देखें अभी माता कौशल्या जी इतना कहने के बाद कुछ और कह रही है कि कौशल्या कह धीरे धरी असुनहु देवी मिथिलेशी को विवेक निधि बल्लभ ही तुम्हारी सकई उपदेशी। फिर देखिए स्नेह का अंश जब देखी तो तुरंत धीरज धर कर माता कौशल्या जी कहती है कि हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ने, क्योंकि जनक जी ज्ञान के ठीक। तो रानी राय सने अवसर उपाई अपनी भांति कहब समुझाई रखिए ही लखनु हरतु गव नहीं बने जो यह मत माने महीप मने। तो माता कौशल्या कहती है
सुनैना जी से कि हे रानी मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए, ठीक है, कहे कि भरत राम जी के बिना रह न पाई है, शरीर उनकर छू सकला। देखे माँ ही ना इतना अनुभव क्या कर बे, वो सब भावा नहीं रह गए। अगर यह राजा के मन में बात जम जाए मने जच जाए तो भले जतनु करब सुबिचारी मोरे सोचु भरत कर भारी। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें क्योंकि मुझे भरत का अत्यधिक सोच, ठीक ने, अब ऐसा देखा भाव हुआ कि ये ने तो गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोही लागत नाही। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम वही अलौकिक, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान। अलौकिक प्रेम जब रहेगा तो शरीर छूटने पर जो है वियोग होने पर शरीर का छूटना निश्चित है, ठीक है, नहीं है तो पैदा करिए, है ना, जीना हो तो अलौकिक प्रेम के साथ जिए, ठीक, नहीं तो फिर देखा फॉर्मेलिटी बने। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए, जने कही है भय कैसे होई है, सूर्ति खाते हैं तो भय कैसे। समझा एन तापन हो गया बन बद, लेकिन आप लोगों के हृदय पर वो बात समझ में आवत हुई, ये ने ठीक। तो लखी सुभाउ सुनी सरल सुबानी असब भई मगन करुण रस सानी। कौशल्या जी की, कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल एवं उत्तम बाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में मग्न ने देखा। जब स्वभाव पवित्र रही तब वह बाणी सरल होई, और जब सरल होई तो वो समझ में आई, और जब समझ में आई तो उदाहरण करे में तनको देर, यह न भाई यही से कदे कुल आचरण से हुआ, और आचरण पर कोई का बुद्धि जात, हाँ बस हम वेद से ज्ञाता है, आचरण में इतना आसान नहीं बा उतार। अब देखो तो भाई आचरण में उतरबे तो कहे न हुई जी। तो सब करुण रस में मग्न, मतलब करुण रस के मतलब दुख में और का उनमें कौन मगन बा, निमग्न हो गई
जाने। और इतने नहीं, माता कौशल्या जी की यह बाणी होने के बाद जाने नभ प्रसून झरी, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी अशिथिल सने है सिद्ध जोगी मुनि। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन धन की ध्वनि होने सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। ठीक न, अलौकिक वर्षा होता भैयो, और देखो बुद्धि शिथिल न, ऐसन माई कहाँ मिली है भाई। हाँ, और तबो कहिए ना कुल लड़का को माई चाहिए कौशल्या जी सन, सीता जी सन मेरा रू चाहिए। हाँ, राम जी सन बनो तुमने। हाँ, चाही खाली। हाँ, ठीक ना, क्या करबे पंचम भाई बहन कदम सुर फुड़को जी सन चली। नहीं ऐसे ही ठीक रहे, अब आज के राक्षसी समाज बा। हाँ, खाए के भले से नौ रहा, लेकिन देखो ठीक पकड़ जाए बात की है ना। तो धन्य वही है जिनका श्री सीता राम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम, उसके अलावा कोई धन हो न। तो सबुर निवासु बिथकी लखी रहे तब धरी धीरे सुमित्रा कहे देवी दंड जुगे जामिनी बीती राम मातु सुनी उठी सप्रीति। तो सारा रनिवास देखकर थकित रह गया जने। देखा अभी माता कौशल्या जी के बाड़ी एक भुलायत मत जाए भा, कहे कि पवित्रता अब धरती पर आई तब जो है ठीक ने। अबे अकेले कितना राम बनावे, कितना गणेश बनावे, अब आप लोग आगे धीरे धीरे बने और आगे लोगन के सही ने। तब देखा आनंद बा, और बाकी नौटंकी मेरा से कहा आनंद बा भाई ये ने जी। तब सुमित्रा जी धीरज धर के कही कि हे देवी, दो घड़ी रात बीत गई है जने, बीत गया बात एक मतलब अब चले के ने। जनक जी भी इंतजार करत हुई है, कहाँ गई नहीं पता बा सबके। यह सुनकर माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी है ना, और बेगी पाउधा बेगी पाउधारी थलही अकह स्नेह सती भाय हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। प्रेम पूर्वक उठकर सद्भाव से बोली कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारे, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है और मिथिलेश्वर जनक जी स
सहायक जने। अब जनक जी हैं ज्ञानी जने, तो यही से सहायक समझ में हम राम जी के साथ के कर ज्ञान लगी बतावे। अब आप लोग समझाता है इनके साथ के कौन ज्ञान लगाई। हाँ वो के कौन सुझाव दे बंसनायल पंडित जी के साथ आप जानत हुए तो जानत हुए फकरी के पूरा के। हाँ जा भैया बाब नाम सुन ले लेकिन चेहरा नहीं समझ में आवा था कि कौन है चेहरा भाई। प्रिंसिपल रहन भाई उधर के। हाँ मेरा सुने है जानत है नाम उनका बंसनायल पंडित जी के लेकिन चेहरा दिमाग में नहीं बैठता कि कौन तरह से पाए। कौन पूरा अपन दम लगाएं की भुवनेश्वरी आके अपन रोइन गाइन कहन एकदम आप जोन कहते हैं सही बा लेकिन अब अपन क्या करिए बेचारू जितना ऋषि मुनि के तरह रह से कुछ हुआ वाला कहा बा देखते बा। ठीक ठीक ने कुछ प्रेरणा रात में भुवनेश्वरी वगैरह अपन सब बहुत राम भक्ति में लीन भाई लेकिन जहां वो देखा था उन्हें यह स्वरूप में राम जी कृष्ण जी कुल दिखाता है कहे कि अब वो फर्चा फर्चा हो जाता ना तो यही से धीरज नहीं हो पाता दर्शन बदे लेकिन अब क्या करो मन से बाड़ी से कर्म से साथ में रहो यह ना और निष्काम भजन कर इतने और का कह सकल है कहे कि अब सबकर मर्यादा सुरक्षित तब है बा नहीं तो सृष्टि एकदम ठीक ना बहुत अलग बात। दरअसल इनमें कोनो निजी पुरुषार्थ बटले नहीं बा निजी पुरुषार्थ नहीं बा और अबे बारे में ज्यादा कुछ सोचे कि नहीं बा समझता है आप लोग हर जगह लोग समझत हैं जाने गणेश जी ये बात नहीं बाकी है ना चलो जनो कुछ बोलना इसमें उचित ठीक ना। नहीं वो निश्चित बात सतयुग के पहले कोनो हाँ कहे को में जब सबके बदे एक समान हो जाई तब कहीं कोई बदे बाधा न रही। कहे कि कलंक एक अगर रविशंकर के ऊपर कलंक रहे तो फिर कहां से मतलब बा। ठीक तो लखी सने है सुनी वचन विनीता जनक प्रिया गह पाय पुनीता देवी उचित असी विनय तुम्हारी दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी माता सुनैना जी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए। ठीक ने और कही कि हे देवी आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता है आपकी ऐसी नम्रता
उचित ही ठीक ने जौन विनम्रता कहता है खाली श्री राम जी के माता जी के पास हो सकला ये ने तो प्रभु अपने नीचहु आदर ही अग्नि धूम गिरी सिर तीनु धरही सेवकुराऊ करम मन बानी सदा सहाय महेशु भवानी। यानी जब मन बाणी कर्म से एक होवे तब वे जुन हो माता पार्वती और शिव जी साथ ये ने कहती है माता सुनैना जी कि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते नहीं के निषाद राज भाई के गले लगाओ भाई समझे थे न अग्नि अग्नि धुएं को पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते इसका अर्थ समझे मत समझे आप लोग कि जो बड़े लोग होते हैं हमेशा छोटों को सम्मान ही देते जो कि रीति आज बिल्कुल बदल एकदम बदल गई ने जे तन्नी सा जो कुछ बा ओकर ऐठन देखबे ये ने और कह रही है नहीं ये कौशल्या जी कह रही है कि हमारे राजा तो कर्म मन और बाणी से सुनैना जी के बात हो तू थोड़ा मैंने वो कही ना कि अगर वही सहाय करे तभी ऐसा क्योंकि भरत की चिंता है तो वही कह रही है कि हमारे राजा तो कर्म मन और बाणी से आपके सेवक है और सदा सहायक तो श्री महादेव एवं पार्वती जी ही तो जो मन बाणी कर्म से सेवक होता है उसी की महादेव जी और माता पार्वती जी सहायता मन बाड़ी कर्म से सेवक भाव हो तभी जो है वह यह सहायता प्राप्त ठीक तो रौरे अंग जो गुजग को है दीप सहाय की दिन कर सो है रौरे अंग जो गुजग को है दीप सहाय की दिन कर सो है आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कभी शोभा पा सकता है ये ने यही से देखो समझो बड़ा अलग बार बार का प्रमाण दी लेकिन अब के संसार में सहायता करे वाला बाब है तो रामु जाई बनु करी सूरे काजू अचल अवध पूरे करी हही राजू कितनी अच्छी बाणी कह रही है कि श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके
अवधपुरी में अचल राज्य करे जने। लेकिन अभी तो यह दिखाता कि अभी कार्य तो यहाँ से तो न हो, देवता के कार्य तो हो जाए लेकिन राज के कार्य के कोनो अब सीधे धाम यहाँ आपका दिखावे के बा ने। यही से सब अंतिम श्वास बदे एक के साथ कि लोगन के चिंता शोक मोह भ्रम एकदम समाप्त हो जाए। यानी जब श्री राम जी के बाढ़ चली तो ही कितना कोहरा रोक पाई। हाँ तो अमर नाग नर राम बाहुबल असुख बसी हहीं अपने अपने थल। कहती है कि देवता नाग और मनुष्य, देवता नाग और सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों यानी लोकों में सुख पूर्वक बसे गए। यह रावण की वजह से सब कहाँ रह पाता है। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बना के कह रही हूं, यह सब जाग्य बलि के कही राखा देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह सब याज्ञ बलक मुनि ने पहले ही कह रखा है, हे देवी मुनि का कथन व्यर्थ यानी झूठा नहीं हो सकता। ठीक तो वस कही पग परी पेमयति सी सियहित विनय सुनाई सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। तब ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर माने पैर छूकर पढ़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके, ठीक ना, अब ही राजा जनक जी से अकेले में सीता जी का मुलाकात यानी भाग बिटिया गए। और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता जी डेरे को चली। यानी ठीक देखिए ये रहा माता सुनैना जी सुमित्रा जी और कौशल्या जी का प्रसंग जो कि माताओं के लिए अमृत के समान बाणी है। यदि इसको लोग ध्यान से समझे जाने और अपने जीवन को पवित्र करना चाहें तो ठीक ना, तो ठीक। अब इसके आगे यह भी आगे तो यह व्यवस्था है, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये जो जनक जी और सीता जी का मिलन है यहाँ पर बुद्धि विकल हो जाए की संभावना
अभी तो इतने समझे में तो क्या करिए कि यह न ठीक ने प्रसंग तो प्रसंग दूसरा होगा हाँ यहाँ का भी रस रहेगा न तो दोनों बैठ न पाई अलग अलग प्रसंग होगा तो इसी बाड़ी के साथ बोलिए माता सुनैना कौशल्या और सुमित्रा जी की जय। गणेश भाई की माता पार्वती जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भाई भरत जैसा भाई।